सालियों का 3 साल पुराना रिश्ता टूटवाऊं कैसे? पहलवान मैं किस लिए बैठा हूँ? मैं तो बैठा ही इसलिए हूँ ससुराल में चिरान करानी हो, कलेश कराने हो, फट्टे कराने हो, जीजे फूफा को नाराज करा रहा हूँ, मैं किस लिए हूँ? लव मैरिज में तो लड़कियों का देखते पड़ती है, अरेंज मैरिज में तो कभी कभी ऐसी लड़की से शादी हो जाती है जो तुम जैसा हराम करो 7 जन्मों तक नहीं पटने की लड़की। अरे गुरुजी, जो तुमने पिछली वीडियो में जीजा फूफा को नाराज करने के तरीके सिखाए थे, अबे हमारी तरफ तो तहलका मचा पड़ा। तहलका, यूपी, संबल, मुरादाबाद, बरेली। सबसे पहले इन साड़ुओं को तो कर्जा, समझ मारिया बात, इन्हें एहसानों तले दबाओ अपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो भाई, बोनी का टाइम हो गया अपनी दवाई। लो भाई, तुम्हारी गली में, तुम्हारे मोहल्ले में फिर से तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा हमदर्द फिर से तुम्हारी खिदमत में हाजिर है। भाई ध्यान दे। लो भाई, पिछली वीडियो में जीजा फूफा को नाराज करने के तरीके सिखाए थे भाई, आपका इतना प्यार, इतनी मोहब्बत मिली, वीडियो मिलियन में पहुंच गई है मेरे भाई, हजारों मैसेज, हजारों कमेंट आ रहे हैं भाई, सभी फूफा जीजा बोल रहे हैं हमें भी सिखाओ भाई नाराज होने के तरीके। तो मेरे भाई, तुम फूफा जीजा शादियों में जाते हो, ठंडा खाना मिल जाता है नाराज हो जाते हो, कोल्ड ड्रिंक ना मिलने पे नाराज हो जाते हो, रसगुल्ला ना मिलने पे नाराज हो जाते हो। मेरे भाई, ये छोटी छोटी नाराजगियों से कुछ नहीं होगा, अपने भाई के पास है लंबी लंबी बसड़ सिखाएगा मेरे भाई, इतनी लंबी बसड़ सिखाएगा घंटों नहीं निपटेगी ससुराल में मेरे भाई। क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा भाई, हमें तो लूट लिया मिलकर ससुराल वालों ने, हमारी सालियों ने, हमारे सालों ने, अब कोई साला, कोई साली, कोई ससुराल वाले जुल्म नहीं कर पाएंगे मेरे भाई। तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा हमदर्द तुम्हारे साथ है भाई, ऐसी ऐसी बसड़ करना सिखाएगा, ऐसे ऐसे नाराज होने के तरीके सिखाएगा। सभी फूफा जीजा दामाद ध्यान दे भाई, नाराज होने के तरीके सिखाए जाते हैं भाई। वो दामाद जो चाहते हैं भाई ससुराल में जाते ही सास ससुर साले सालिया सब आगे पीछे भागने लगे, कोई तेज ना चले, हमारे जाते ही काजू बादाम का नाश्ता लग जाए, फुल इज्जत हो ससुराल के अंदर, वो हमारे पास आए भाई। जी गुरु जी, गुरु जी। अबे गुरु जी, मैं कहां थे गुरु जी? बैठ बे, बै साले क्या चुम्मा चाटी कर रही है, उस टाइप का आदमी नहीं हूँ मैं। गुरुजी, जो तुमने पिछली वीडियो में जीजा फूफा को नाराज करने के तरीके सिखाए थे, अबे हमारी तरफ तो तहलका मचा पड़ा। तहलका, यूपी, संबल, मुरादाबाद, बरेली, 4 साल से ढूंढ रहे हैं तुम्हें गुरुजी। बै गुरुजी कहाँ थे तुम? बैठ बे, इतनी चुम्मा चाटी क्यों कर रही है, बात बात पे पप्पी ले रही है, बात बता क्या हुआ, मुझसे क्या चाह रही है? बै गुरुजी, मेरी नई नई शादी हुई है, इन साड़ुओं ने दिमाग खराब कर रखा है, मैं चाह रहा हूँ मेरी ससुराल में पकड़ हो जाए, इन साड़ुओं कमबख्तों का कुछ करो तुम। बे बड़ी टेंशन ली बाबा तुमने, अभी तुम्हारे साड़ुओं की माँ बहने करता हूँ, जरा इधर बैठो, यहाँ बैठो। लो भाई, अगर तुम्हारी नई नई शादी हुई है, उस ससुराल में बातचीत बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले इसकी बहन के साड़ुओं को कब्जे में लो बाबा, क्योंकि यही साड़ू जो होते हैं ना सास ससुर को चढ़ाते हैं, बे बड़े कमीन होते हैं पहलवान ये, सबसे पहले इन साड़ुओं को तो कर्जा, समझ मारिया बात, इन्हें एहसानों तले दबाओ अपने, इन साड़ुओं की हफ्ते में 2-3 बार करो दावत, काजू, पिस्ता, बादाम, मुर्गा, मछली, मुसल्लम, इन्हें ये खिलाओ, ताकि बाबा अगर ससुराल में तुम्हारा फड्डा वड्डा हो तो ये साड़ू जबानी ना खोलें, वरना सबसे ज्यादा सास ससुर को ये साड़ू चढ़ाते हैं, समझ मारिया बात। मैं गुरुजी, गुरुजी। बैठ बे, बे बात बात पे इतनी पप्पे क्यों ले रही है तू? बे गुरुजी, क्या आइडिया दिया है तुमने, अब लो हफ्ते में 2-3 बार दावत, हर 4-6 महीने में साड़ुओं को 40-50 हजार रुपए उधार, अब तो मेरी इज्जत बन जाएगी ससुराल में। बे इज्जत बन जाएगी, बे बाबा जितने भी साड़ू हैं सबको जेब में रखो, जेब में अगर सरकार चलाना चाहते हो ससुराल में अपनी, 5 साड़ू हो तो 3 वोट तो अपने पास होने चाहिए नहीं, जब तो सरकार बनेगी, 40-50 हजार रुपए खर्च करो साड़ुओं पे, खूब दावत दावत करो, जेब में रखो। बे बाबा ससुराल में इज्जत चाहते हो ना तो साड़ुओं पे खर्च करना पड़ता है, साड़ू जेब में होने चाहिए अपनी, और साड़ू ऐसे जेब में नहीं होते, खर्च करना पड़ता है साड़ुओं पे। बैठ बे, बे जो आ रही है चुम्मा चाटे गए आ रही है, क्या है? अब उस्ताद जी, तुम्हारा तो बहुत नाम सुना है, तुम्हें 4 साल से ढूंढ रहा हूं, तुमसे एक बात पूछनी थी। भाई क्या बात पूछनी थी, बताएगा इतना चौकन्ना क्यों हो रहा है, बता तो सही। उस्ताद जी घर वाले शादी के लिए पूछ रहे हैं, बस एक बात बता दो मुझे कि लव मैरिज में फायदा है या अरेंज मैरिज में? लो भाई सभी भाई ध्यान दो, बच्चा पूछ रहा है लव मैरिज में फायदा है या अरेंज मैरिज में, तो मेरे भाई लव मैरिज में कोई फायदा नहीं है, सभी लड़के ध्यान से सुनना भाई, भाई लव मैरिज में तो लड़कियों का देखते पड़ती है, अरेंज मैरिज में तो कभी कभी ऐसी लड़की से शादी हो जाती है जो तुम जैसा हराम करो 7 जन्मों तक नहीं पटने की लड़की, बे ऐसी ऐसी लड़की से शादी हो जाती है, सही बता रही हूँ तुम्हें, तो बाबा अरेंज मैरिज करो, वरना कभी कभी तुम शादियों में जाना, तुम शादियों में किसी मियाँ बीबी को देखना, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे किसी जेब पत्रे को ऑस्कर अवार्ड मिल जाओ, बाबा हस्बैंड ऐसा होगा, वाइफ ऐसी कंटाप होगी तुम्हारी जान की कसम, बे ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ियाँ घूम रही हैं, अल्लाह माफ करे, ऐसे ऐसे कपल घूम रहे हैं जिन्हें देख के मत्था घूम जाता, भाई कैसे होते हैं, सब अरेंज मैरिज में होती हैं, उन्हें ऐसे लड़कों की तरफ तो लगे देखे भी ना,
गंजे टकले काले कलूटों के पास ऐसी ऐसी कंटाप लगे हैं पहलवान, सब अरेंज मैरिज की है, ये सारा अरेंज मैरिज वाला माल है, समझो बात को, तो ज्यादातर अरेंज मैरिज करो, समझ मारी बात। अबे उस्ताद जी, उस्ताद जी, ये पप्पियां क्यों लेते हो यार, बात बात पे यार, पैसे दे कुछ। उसकी बहन क्या कितनी, भाई ये भी देना। ये क्यों? ये साले पप्पियां नहीं ले रही है, पप्पियां फ्री में ले रहे हो मेरी, चले। मेरी बहन की जो आ रही है पप्पियां, ओए तेरे भी साले 8-10 पप्पियां हैं, ध्यान रखियो। भाई क्या इतनी गौर से बातें सुन लिया है साले, सारा बिजनेस मेरा सुन लिया, हराम खोर, अपना खोलेगा फिर अपना बिजनेस खोलेगा, निकल नहीं आते तो बता दिया ना, साड़ुओं को कर्जा देना, साड़ुओं की दावत करनी है, साड़ुओं को खरीद लेना, उनका जमीर खरीद लो, ताकि ससुराल में तुम्हारा फड्डा हो, 700-700 रुपये चढ़ा सके, समझ मारिया बात, निकल, मजे मत ले यहाँ पर बैठ के। चलो भाई कस्टमर घेरे भाई, लो भाई किसी की ससुराल में फड्डा हो गया, कलेश हो गई, गंज हो गई, हमारे पास आए भाई, हम नहीं, तेरी बहन और पप्पी ली ना साले, सर फाड़ दूंगा, पीछे खड़ो के बता जितनी बातें पीछे, बिना पप्पी के सारी बातें होंगी भाई। उस्ताद जी यार ससुराल में बड़ी टेंशन चल रही है उस्ताद जी। मैं सही जगह आयो मेरे भाई, बिल्कुल सही जगह, आओ बैठो 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 जल्दी फटाफट बैठो। क्या हुआ बेटा, अपनी प्रॉब्लम बताओ। अबे उस्ताद जी 4-5 साल हो गए शादी को, सास ससुर बिल्कुल इज्जत करने को ही तैयार नहीं है। लो भाई सास ससुर बिल्कुल कंटा इज्जत करेंगे, आगे पीछे भागेंगे, जब तुम जाओगे मेरी जान नाश्ता पानी काजू बादाम पिस्ता सब लगेगा, बस हमारी 2-3 बातें माननी पड़ेंगी भाई। साड़ू कितने तुम्हारे बताओ? साड़ू वाड़ू नहीं है मेरा, इकलौता दमा दूं। इकलौता दमा दे तू? हाँ भाई। तेरी इज्जत नहीं हो रही, तेरी बहन तेरी इज्जत नहीं हो रही, ऐसे कौन सा काम कर रहा है तू, इकलौता दमा दे फिर भी इज्जत नहीं हो रही। सालियां कितनी है? मैं उस्ताद जी साली तो 2 है। रिश्ते विश्ते देखे उनके नहीं है? क्या बात बात चल रही है उनके रिश्ते की? नहीं 3 साल हो गए उनके रिश्ते पक्के हुए। वे तुड़वा दो दोनों के रिश्ते, तुड़वा दो पहली फुर्सत में। मैं तौबा कर लो यार, 3 साल हो गए रिश्ता हुए वे। बे बाबा तुम्हारी इज्जत तुम्हारे सास ससुर जब ही करेंगे जब इनके रिश्ते टूटेंगे, अब सोच लो। रिश्ता टूटने से मेरी इज्जत कैसे होगी यार? बे बाबा सालियों का जा रिश्ता होगा, तुड़वा दो मेरी जान, अगर ससुराल में चाहते हो सास ससुर इज्जत करे आगे पीछे भागे, रिश्ते खुद कराओ सालियों के, समझो बात, और ऐसा घर ढूंढो जहाँ तुम्हारी बातचीत टेढ़ी हो, लड़का तुम्हारी फुल मुट्ठी में हो, उससे कराओ सालियों की शादी, इसकी बहन के जिंदगी भर एहसान मानेगा, समझ लो बात को, और कुछ भी ससुराल में फड्डा होगा तुम्हें बुलाएगा क्योंकि तुम साड़ू हो। तो बाबा पहले ही प्लानिंग करके चलो, अगर ससुराल में बाबा हुकूमत करनी है मुट्ठी में लेने ससुराल को, तो सालियों के रिश्ते तुम कराओ, पहले जाओ ना वो तुड़वा दो सारे रिश्ते, समझ मारी बात। सालियों का 3 साल पुराना रिश्ता टूटवाऊं कैसे? पहलवान मैं किस लिए बैठा हूँ? मैं तो बैठा ही इसलिए हूँ ससुराल में चिरान करानी हो, कलेश फैलानी हो, फट्टे कराने हो, जीजा फूफा को नाराज कराना हो, मैं किस लिए हूँ? फरिश्ता हूँ तुम लोगों की मेरी जान, मैं बताऊंगा। लो भाई लमडा पूछ लिया रिश्ता टूटेगा कैसे, तो सभी ध्यान दे भाई। बाबा बड़ी पुरानी परंपरा, औरतों के पास नहीं बैठे क्या? जब रिश्ता हो जाए और तुम्हें रिश्ता तुड़वाना हो, हल्के हल्के से वसवसे छोड़ने, ठीक है जी? भाई लड़का तो शराब पीता है, अरे बाबा लड़के की तो उठ बैठ गलत है, और तुम्हें तो साली का टुटवाना है, तो उसका तुम्हें तो पूरा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ससुराल में सास ससुर में इज्जत भी तो बनानी है। नहीं तो बाबा जितनी बुराइयाँ उसकी बहन के सामने वाले लम्बे में, जितनी तुम्हें दुनिया में आते हो, कह दो भाई उठाई गिर लड़कों के साथ रहता है, लड़का जेब कतरा है, कौवा पीता, और मैं कसम खुदा की सुबह तो देखा ठेके पे मैंने कौवा खरीद लिया था, सुबह ही देखा मैंने, एकदम सफेद झूठ बोलो, समझ लो बात को। सालियों को रिश्ता टुटवाओ और अपनी मर्जी से कराओ, जहाँ तुम्हारा मन हो, तुम्हारे मतलब का साड़ू आ गया वो तुम्हारी मुट्ठी में रहेगा, सास ससुर तुम्हारे आगे पीछे रहेंगे क्योंकि साड़ू तुम्हारी सुनेगा। अरे बाबा ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, पूरी ससुराल में हुकूमत करा दूंगा, समझ मारिये बात। तो उस्ताद जी तो तुम्हारी बहन की जो आ रही है पप्पी ले रहे, पैसे देना, पैसे, हाँ पैसे दे और देना तेरी ये किस लिए? पप्पियां फ्री में चल रही है क्या? पप्पियों को पैसे लूंगा, चल निकल यहाँ से, चल बहन की जो आ रही है पप्पी फ्री में ले रही है। चलो मेरे भाई आज का तो कोटा हो गया भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम तो चले भाई, फिर कल को कहीं और देखेंगे अपना काम।